वेलकम टू ECL सेपाली प्राइवेट ITI। मेरा नाम सौरभ प्रधान। आज हम लोग जानेंगे टी गोल्डिंग। तो टी गोल्डिंग का फुल फॉर्म जो है टंगस्टन इनर्ट गैस, या इसका और एक नाम है जिसको बोलते हैं GTAW, जिसको हम लोग जानते हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो इसको गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड होता है वो टंगस्टन का होता है, और इसमें जो टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो नॉन कंज्यूमेबल होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि टी गोल्डिंग का जो टॉर्च है, ये टी गोल्डिंग का टॉर्च इसमें क्या क्या अलग अलग पार्ट्स लगा हुआ है वो हम एक एक करके बताने वाले हैं। जैसे कि हम ये देख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे सिरामिक नोजल। सिरामिक नोजल इसका अंदर लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये देख रहा है जो है, ये है सिरामिक नोजल, और ये जो है ये है कॉलेट होल्डर, और ये जो है इसका नाम है इलेक्ट्रोड होल्डर। तो उसके बाद ये जो है, ये है कैप। तो ये कैप जो है, कैप शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। अभी जो लगा हुआ है ये है लॉन्ग कैप, ठीक है। तो इसको इसी प्रकार हम लोग सेटिंग करेंगे, इसका अंदर डाल के, होल्डर का अंदर डाल के इसका अंदर जो थ्रेड है उसमें टाइट किया जाता है, प्लस ऊपर से ये सिरामिक नोजल को टाइट किया जाता है। फिर हम लोग ऊपर वाला जो कैप जो है, लॉन्ग कैप है, उसको हम लोग टाइट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग जो टी गोल्डिंग जो है, टी गोल्डिंग में जो गैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो इनर्ट गैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है आर्गन और हीलियम गैस। अभी फ़िलहाल जो हम लोग गैस इस्तेमाल कर रहा है वो आर्गन गैस है। आर्गन गैस का जो कलर है वो है पिक हैंड ब्लू कलर का होता है। तो इसको इसी प्रकार सिलेंडर को हम लोग सबसे पहले ओपन करेंगे, और इधर आप लोग देख रहा है रेगुलेटर लगा हुआ है। तो रेगुलेटर को टाइट करके इधर देख रहा है फ्लो मीटर, फ्लो मीटर को बढ़ाना और घटाना जाता है इसी प्रकार। तो आइए हम लोग टी गोल्डिंग करके देखते हैं। इसका नाम है फिलर। तो फिलर को इसी प्रकार पकड़ा जाता है। तो इस प्रकार टी वेल्डिंग किया जाता है। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।